मोटोरोला इस समय अपने एक नए फ्लैगशिप फ़ोन पे काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि मोटोरोला के इस फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है, यहाँ पे आपको कितने मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा, ये फ़ोन किस तरीके का फ़ोन होगा, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज क्या होगी, कौन से एंड्रॉयड पे वर्क करेगा और इसके प्राइस के मामले में थोड़ा एस्टिमेट बताऊंगा। इसमें जो मोटोरोला का पहले भी एक फ़ोन आया था मोटोरोला रेजर, उसके बारे में बात करूंगा और सैमसंग के भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपको सुनने का अच्छा लगा, क्या खराब लगा, मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोटरोला की तरफ से एक नया ब्रांड न्यू फोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है, जो कि एक फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन होगा। यहाँ पे जो मोटरोला है पहले ही एक फोन निकाला था मोटरोला रेजर, जो कि एक फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन था। यहाँ पे दोस्तों जो मोटोरोला रेजर है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, 1,24,999 रुपये, यानी कुछ 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये का जो फ़ोन था वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि उसका जो फ्लैगशिप फ़ोन था और जो फोल्डेबल फ़ोन था उसकी जो स्क्रीन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पे मोटोरोला एक नए अपने फ्लैगशिप फोल्डेबल फ़ोन पे वर्क कर रहा है और वहाँ पे ये बोलता है कि जो अब इसका जो स्क्रीन आएगा फोल्डेबल स्क्रीन, अब इसको काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे सैमसंग का जो फोल्डेबल फ़ोन आ रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान में देख रहा है, और जिस तरीके से सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन की स्क्रीन बनाई जाती है उसी तरह से मोटोरोला अपने स्क्रीन को बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो मोटोरोला का जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है उसका मॉडल नंबर है AK4714, ये इसका मॉडल नंबर है और इसको स्मिथ नाम से लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मोटोरोला के इस फ्लैगशिप फोल्डेबल फ़ोन में स्टोरेज और कैमरा कितने कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मोटोरोला का फ्लैगशिप फ़ोन है फोल्डेबल, यहाँ पे आपको 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, साथ ही साथ 48 MP का बैक कैमरा और 20 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के बारे में मोटोरोला बार बार कह रहा है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मोटोरोला के नए ब्रांड न्यू फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।